Because today I am at the Harley Davidson. Harley Davidson. Hi guys. How fair to say. Hi guys. Start. Hi guys. How fair. Hi guys. Hi guys. How सो है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएनटी टॉक एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता ही चल चुका है कि वीडियो किस रिलेटेड होने वाला है। वो जो सामने नेक्सॉन जा रहा है वो मेरे बड़े भाई का नेक्सॉन है, वो भी चला रहा है। तो मेरा जो बड़े भाई है उनको एक बाइक ख़रीदना है, वो है थोड़े से दबंग टाइप एंड वो भी है पुलिस। मैं तो बाइक का रिव्यू करता हूँ, बहुत सारा बाइक चलाया हुआ है मैंने। तो वो मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि उनको एक बाइक ख़रीदना है, तो एक अप्रोप्रिएट बाइक उनके कैरेक्टर के हिसाब से मुझे सजेस्ट करना था। बहुत सारा ऑप्शन था, सब कुछ राइड किया है मैंने, तो सब सोच समझ के मैंने उनको कहा कि आपके लिए बेस्ट होगा हार्ले डेविडसन X440। उनका जो नीड्स है बाइक से वो सब कुछ मैंने कंसिडर करके हार्ले डेविडसन X440 उनको सजेस्ट किया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं हार्ले डेविडसन X440 ख़रीदने। हम लोग कोलकाता हार्ले डेविडसन शोरूम पे हम लोग जा रहे हैं अभी, जो कि है राजारहाट न्यू टाउन पे। और उस शोरूम पे है X440 का भरपूर स्टॉक है और भैया ख़रीद रहे हैं टॉप मॉडल। मेरे दो जो नेफ्यू है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, वो दोनों मेरे मोटो व्लॉग को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और कभी भी मैं गोप्रो निकल के बाहर जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और आज का जो ये कैमरा एंगल है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल कैमरा होल्डर है जो मेरे हेलमेट से जनरली लगा हुआ रहता है, जो कि चिन माउंट के साथ लगा हुआ रहता है कैमरा होल्डर, वो वाला मैंने अपने एक मोटो व्लॉगर भाई को दिया है। मेरा जो बैकअप कैमरा होल्डर था उसको लगा के मैं चल रहा हूँ और वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मतलब झुका हुआ रहता है, इसलिए आज कैमरा जो एंगल है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, भैया का जो एक्सपेक्टेशन के बारे में बोल रहा था वो एक बार बोल दूँ। भैया को ऐसा बाइक चाहिए जो कि दिखने में क्लास लगे, हार्ले डेविडसन तो एक क्लास है अपने आप में। सेकेंड चीज़, पावर और डिलीवरी टॉप स्पीड में कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए एक अच्छा सा एग्जॉस्ट नोट। और हार्ले डेविडसन का एग्जॉस्ट नोट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है उस सेगमेंट में, वन ऑफ द बेस्ट। थर्ड चीज़, जो चलाने में कंफर्टेबल हो, ठीक है। X440 को मैंने पर्सनली चलाया है, छोटा सा ही टेस्ट राइड दिया है, इसीलिए मैंने राइडिंग एक्सपीरियंस अभी तक वीडियो नहीं लाया। जब मैंने चलाया था बहुत ही प्यारा लगा था, पुल बहुत बढ़िया है, पावर उतना सिग्निफिकेंट, नंबर वाइज पावर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट बाइक का पुल बहुत ही तगड़ा है। और टॉर्क के बारे में क्या ही बोले आप लोगों को, टॉर्क तो ज़बरदस्त है भाई इस बाइक में। उन्होंने आज तक जो भी बाइक चलाया है सब में ही एयर कूलिंग है। फर्स्ट उन्होंने चलाया है होंडा यूनिकॉर्न, देन उसके बाद उन्होंने चलाया है पल्सर, फिर उन्होंने चलाया है अपाचे 160, उसके बाद उन्होंने चलाया रॉयल एनफील्ड क्लासिक। क्लासिक तो है बहुत ही पुराना। चैनल नाम देख रहे हैं, भाई ने चैनल का नाम पूछा। एनीवे, तो उन्होंने क्लासिक चलाया सब बाइक में, ना एयर कूलिंग सिस्टम है कोई भी बाइक में, और ना है ऑयल कूलिंग ना है लिक्विड कूलिंग, तो इसमें ऑयल कूलिंग है। और भी दो तीन ऐसे टेक है जो कि भाई को पसंद है। कभी तो बाइक घर में आ रहा है तो बाइक का तो राइडिंग एक्सपीरियंस, रिव्यू, सर्विसिंग कॉस्ट, सर्विसिंग एक्सपीरियंस सब कुछ लाएंगे। तो अगर हार्ले डेविडसन X440 को आप लोग कंसीडर कर रहे हो और आपको डिटेल्स जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
क्योंकि अभी तो वीस्ट्रॉम एसएक्स 250 के साथ साथ घर में हार्ले डेविडसन एक्स 440 भी रहेगा। फिलहाल ये ट्रैफिक को बाय बाय करके हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं शोरूम पे। एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। टुडे वी आर मेकिंग द व्लॉग फर्स्ट टाइम। ओह ओके। हेलो गाइस, सो वी हैव अराइव्ड आवर डेस्टिनेशन व्हिच इज हार्ले डेविडसन। ओह वाओ। हाँ, मेरा मम्मी और पापा भी आए हैं, आप खुद ही देख लीजिए। एक्साइटेड ही ऑफ कोर्स। हेलो गाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग द व्लॉग एंड आई एम टू मच एक्साइटेड। व्हाई यू आर टू मच एक्साइटेड? बिकॉज़ टुडे आई एम एट द हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन स्कूल जाने के बाद हमने पहली बार देखे हैं एक हार्ले डेविडसन का बाइक। हाय गाइस, then this is my family. I mean, not the whole family. There's only 5 of us. Where is your whole family? Some of the families are at home, and look at that one, but it's sold. All of them are sold. Look at those tires, it's like replica. Sports stars. Guys, fat boys. Guys, what are you talking about? The family? No. Arif, your bike kaisa hai? Yeah, जोर से बोलो। ये बहुत ही अच्छा है। बहुत। वो ड्राइंग नहीं है, वो मार्कर है। फैट्सो, उसका नाम होना चाहिए फैट्सो। उसका नाम फैट बॉय है उसकी तरह। हाँ, ये भी ये फैट्सो ही है, इसका नाम फैट बॉय है। अलग सा हार्ले डेविडसन दिखाओ। नहीं, वो भी सेम है, ये भी एक्स 440 ही है, ये कलर रेड कलर का है खाली। इधर आओ। Hi guys. Want to see helmets? No. Please. But see. Hi guys. फिर से. Hi guys. Hi guys. अब फिर से. टेस्ट राइड देने का मौका मिल रहा है सुदीप दादा, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। और नो को भी बैठना है। इस बाइक का एक प्रॉब्लम है, पिछली बार जब हम लोगों ने टेस्ट राइड दिया था तो उससे पहले जो एक कस्टमर ओके इस बाइक का एक ही प्रॉब्लम है, एक कस्टमर इस बाइक को गिरा दिए थे, तो उसके बाद से हैंडल में थोड़ा सा इस बाइक का प्रॉब्लम है। ओह, व्हाट अ पुल भाई, सीरियसली। इसमें 27 bhp के आसपास पावर है, बट पुल से और भी ज़्यादा लग रहा है पावर। और सस्पेंशन, सीरियसली, फ्रंट सस्पेंशन तो USD है, सस्पेंशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ग्लास লাগাচ্ছেন না কেন? টেস্ট রাইড দিচ্ছি এটা। এটা এই হার্লে ডেভিডসনের ইয়ে গাড়ি। আমার গাড়ি নয়। এরকম দাম আছে বলো? এটা 3.5 লাখ। হ্যাঁ, ভালো লাগলে নেব।
हाँ लाइसेंस देख के छोड़ दिए पुलिस वालों ने, और उन्होंने कहा आप लोग आपका ये कहाँ है रियर व्यू मिरर कहाँ पे है। तो मैंने कहा देखिए ये मेरा बाइक नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग टेस्ट राइड। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। पुल देख रहे हो भाई बाइक, ओ माय गॉड पुल इज अमेजिंग ब्रो, एक इंची का वाइब्रेशन फील नहीं हुआ, बहुत बढ़िया है। फर्स्ट गियर में एक बार देखते कितना दूर जाता है, 49। भाई साहब दिस बाइक इज अमेजिंग, मेरा सजेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ही विल लव दिस बाइक, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दैट। ये जो छोटे छोटे बम्पर्स है ना पता ही नहीं चल रहा है, मेरे V-Strom SX250 में ये सब बम्प्स क्रॉस करने के लिए मुझे एकदम स्लो होना पड़ता है, अदरवाइज यू विल फील दैट बम्प। बट इस बाइक के साथ मक्खन मलाई, मक्खन मलाई, एग्जॉस्ट जितना बढ़िया है सस्पेंशन भी उससे भी अच्छा है। सीरियसली ये बम्प्स को मैं इतना मक्खन तरीके से हैंडल कर पा रहा हूँ, मतलब बाइक हैंडल कर पा रहा है, इट्स एब्सोल्युटली ऑसम। चलिए बाइक को भी रखते हैं, ज़्यादा देर रखूँगा तो और भी चलाने का मन करेगा, और कंप्लीट करते हैं अपना प्रोसीजर। 1,55,000 उन्होंने डाउन पेमेंट किया है, बाकी आई थिंक 2,00,000 का फाइनेंस होगा, और 9 ईयर्स का उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी भी लिया है। He's reached 750 user and he's saying without any doubt you get that X440. Thank you for that. Thank you. So yeah, street 750 user is telling me to get this bike without any hesitation. तो हम लोग तो ले ही रहे हैं। He's very very helpful. इसका जो number है मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहा सुदीप्त को पूछ सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल बंदा है। ही विल असिस्ट यू द एंटायर टाइम, आप जब तक शोरूम पे हो तब तक वो आपके साथ रहेगा। जितना बार टेस्ट राइड देना चाहो उसको बोलो, वो मैनेज कर देगा। तो थैंक यू सुदीप्त, चलो बाय बाय। अभी चलते हैं अपने बाइक में, और ये फुल फैमिली आज बहुत ही खुश है। आरिफ को लास्ट में पता चला कि उसका अबू बाइक खरीद रहे हैं, तो वो तो पहले सोचा था कि आए हैं ऐसे ही, ऐसे हार्ले डेविडसन शोरूम पे हम लोग विजिट करने के लिए आए हैं, तो लास्ट में जब उसको पता चला वो तो बहुत खुश हो गया। सो गाइस ऑलमोस्ट घर पहुँच चुका हूँ मैं, वीडियो को चलो यहीं पर एंड करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन रहा आपका कमेंट सेक्शन पे ज़रूर आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी सजेशन रहा मेरे वीडियो रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होऊंगा कोई भी सजेशन अगर मुझे मिला तो। और हार्ले डेविडसन X440 रिलेटेड कोई कंटेंट्स तो आते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। और ये वाला जो बाइक है V-Strom SX250 का, इसके रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारा है, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय किए हो वीडियो, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। चलिए अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, वंदे मातरम, हैव अ गुड वन गाइस।